शासन के निर्देश पर 15 अप्रैल को शुरू होने वाले गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी केवीएन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने सभी क्रय एजेंसियों को निर्देशित किया कि किसानों के गेहूं खरीद के लिए गांव में ही व्यवस्था बनाई जाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को उनके गेहूं की खरीद कर उचित मूल्य दिलाया जाए। जिलाधिकारी के विजय पांडे ने सभी 153 क्रय केंद्रों पर बोरों की उपलब्धता, पानी, छाया तथा कोरोना के संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत साबुन से हाथ धुलने की व्यवस्था एवं साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। बैठक में किसानों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में लॉकडाउन, साइबर कैफे बंद होने के कारण रजिस्ट्रेशन न होने पाने की समस्या उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि क्रय केंद्र के आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन कॉमन सर्विस सेंटरों को खोलकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने बताया, हम लोग खान पान की व्यवस्था भी हम लोग वही रेलवे स्टेशन में करा दी, इसलिए लेबर के ऊपर इशू था और काफ़ी कुछ है। आते आते उतर जाए गोरखपुर में कि फंसे कोई रैट या तुम्हारा फंसा तो नहीं आनंद आनंद का जगह कहीं भी जाए किसी टाइप को परेशानी तो मैं बताया करें लेबर हम स्टेशन कराने इनके नाखा में लोग प्रमाण कर रहे हैं ना, वो हम अंदर भी वहाँ विकास है, वहाँ IPS ऑफिसर है चार्ज में चोरीचोरा का वो चिल्वर था जो स्पेसिफिकली बता दिया किसी की परेशानी तो केवल विकास से नहीं बिजनेस वाले घरों को करने के लिए जलाल ग्रुप है दो तीन लोग वही भोजन नहीं दे रहे हैं दो बार तीन बार नहीं इसलिए एक बार वही रुकने के लिए स्टेशन करा दें आगे भी रैक है लगातार आएगा हमें 153 जगह हम लोग गेहूँ खरीदने के लिए सेंटर व्यवस्था कर लिए, परसों से प्रारंभ हो जाएगा। आज सवेरे हमने मीटिंग भी लिया था, हम लोग सभी तैयारी में हैं। इस पर एक निर्णय लिए थे हम लोग, 50 क्विंटल के नीचे यानी छोटे किसान हैं उन लोग का हम गांव में आके खरीदेंगे। इसलिए तो आपके माध्यम से मैं संदेश पहुंचाने चाहता हूं ताकि इस समय में उन लोग का ट्रैक्टर ट्राली लेबरी इत्यादि में बहुत परेशानी होगी, मिल नहीं रहे होंगे शायद, वो परेशान ना हो जाए। हमारा सेक्रेटरी लेखपाल और वहाँ प्रधान और बाकी जो गांव स्तर का अधिकारी कर्मचारी लोग मिलके एक ही जगह व्यवस्था कराएंगे, उसके बाद सेंटर वाले जाके वहाँ ले लेंगे। इसलिए 50 क्विंटल के नीचे आप कितने किसान हैं आपका निवेदन हमारा, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, आप टोकन ले लीजिएगा, इंतज़ार करिए आपके गाँव में ही 1925 रुपया जो सरकारी दाम है उसी रेट पर हम लोग आपके गाँव में आके ले लेंगे। और संपन्न किसान हैं किसी के पास ट्रैक्टर ट्राली है वो सेंटर तक आ सकते हैं, आपको स्वागत है। अब 15 तारीख के बाद आराम से आप आ करके आप दे सकते हैं, हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं 48 घंटे के अंदर ये पैसा आपके खाता में पहुंच जाएगा। और बाकी पूरा व्यवस्था है यहाँ का, इलेक्ट्रॉनिक आटा हर जगह पहुँच गया है, बोरा भी पहुँच गया है, पैसा भी पहुँच गया है। 15 से हम लोग प्रारंभ करेंगे, बहुत सारे बिचौलियाँ बहुत कम दाम में ले रहे हैं उनसे सतर्क रहिएगा, 1617 रुपया दाम में मत दीजिए, हम 1925 रुपया दे रहे हैं, हमारा सरकारी दाम बहुत अच्छा है, इसी रेट पे आप दीजिए, यही मेरा निवेदन है। सर अक्सर देखा जाता है आमदनी घटता है, बहुत घटती है इस समय, तार भी ले जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए यहाँ जो फायर ब्रिगेड हर जगह पहुँचा गया है, खासतौर पर क्या करते हैं हम लोग इस मौसम पर बिजली काट देते हैं, बट जो लॉकडाउन की वजह हम बिजली नहीं काट पा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं चिंगारी की वजह कहीं बिजली का मतलब आगजनी की घटना हो जा रही है। अब तक 5 जगह हुआ है घटना, उस पर जो कितने लोगों का नुकसान हुआ उन लोगों को मुआवजा भी दे चुके हैं हम लोग, बट एक सावधानी से करना होता है। खासतौर पे मान लीजिए वो स्ट्रा जो स्ट्रा रीपर मशीन है उसी से हल्की सी चिंगारी निकलती है, इसलिए स्ट्रा रीपर मशीन के जो चलाने वाले का और किसान को भी ये निर्देश दिए हम लोग, तब भी मशीन चलाते हैं ज़रूर 2 बकेट पानी और माटी साथ में रख लीजिए, इनकेस छोटी सी आग जो जनी घटना हुआ तुरंत उसको बुझवा दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ फायर टेंडर है, हर थाने में हम लोग बुझवा चुके हैं, यहाँ तो हमारा 7 तहसील में फायर टेंडर है, रेडी कंडीशन में है,
अब कहीं भी आग घटना हो जाए तो फिर तो आपका 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। बट उससे आने के पहले हम सतर्क रहना ठीक है। किसान लोग कम से कम जो तो खेती बाड़ी का जो काटते हुए समय में खासतौर पर जो कंबाइन हार्वेस्टर और मशीन चलाते वक्त ये घटना ज़्यादा हो जाती है, उस समय में 2 बाल्टी पानी और माटी 1 बाल्टी में रेडी रख लीजिए, उससे छोटी मोटी जो घटना है वो तुरंत उसको निस्तारण हो जाएगा।